नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस, सूचना जो मर्जी समझ लीजिए, लेकिन अगर आप शेयर बाजार में काम कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोगों से विनती करता हूं कि पूरी ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, एंड उसके बाद एक चीज और, जो चीज समझ में ना आए प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। पर्सनली मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे खुद के घर में एक हमारे फैमिली मेंबर है जिनके साथ हुआ है। क्या देखिए, कुछ रूल्स हैं। अगर आप पहले तो उनके साथ तो ये था कि उनका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं था, तो उनका डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिया। उनके पास जो शेयर्स थे वो बेच ही नहीं सकते थे, तो उसको कुरियर करा। अगर पहले मैं इसको ही थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, अगर आप में से किसी का डीमैट अकाउंट फ्रीज हो गया है इसके चलते कि आपका जो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं था, तो आपका डीमैट अकाउंट भी डेफिनेटली फ्रीज होगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको तीन फॉर्म ई केवाईसी एंड मॉडिफिकेशन फॉर्म वगैरह आपके ब्रोकर का जो भी है वो निकालोगे, फिल करोगे, उसको आपको पोस्ट करना होगा उनके एड्रेस पे, जो भी उनका मेन रजिस्टर्ड ऑफिस होगा मुंबई में ही होगा, जहां भी जो भी ब्रोकर है, मैक्सिमम ब्रोकर्स के आपके मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस है, और उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट जो फ्रीज है हो रखा है वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आज जो फ्रेश अपडेट देने जा रहा हूं वो क्या है, देखिए हमारे जो डीमेट अकाउंट है उसमें दो मेन रोल है, एक डिपॉजिटरी का, एक एक्सचेंज का। डिपॉजिटरी सीडीएसएल, डीसीडीएसएल में कहता रहता हूं खरीदो, और बीएससी एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। अभी यहाँ पे दोनों के ना अलग अलग रूल्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, डिपॉजिटरी कहता है कि अगर आपने 6 महीने तक कोई भी अपने शेयर की बिकवाली नहीं करी तो मैं आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज कर दूंगा, ठीक है। वही एक्सचेंज कहता है कि अगर आपने 12 महीने में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी तो मैं आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज कर दूंगा। तो लोग, यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, देखिए वैसे तो जो बंदा आता है वो दिन में 10-10 ट्रेड मारता है, लेकिन बहुत सारे निवेशक भी हैं जो आज खरीद लिया फिर आराम से देख ही नहीं रहे, 5-7 महीने हो गए छोड़ दिया। तो इस सिचुएशन में आपका डीमेट अकाउंट डोरमेंट अकाउंट हो जाता है, शॉर्ट में बोला जाए तो इनएक्टिव। पर्सनली मेरा भी एक डीमेट अकाउंट इनएक्टिव हो गया, बट मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक शेयर मैंने जैसा कि कहा कि मैंने केवल कुछ चेक करने के लिए वो शेयर लिया था, और वो आज तक पड़ा ही है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहेगा तो कोई नहीं, बट वो मेरा डोरमेंट अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है डोरमेंट अकाउंट में, मान के चलो आपने कोई पोजीशन बना ली और उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दी, अब आप उसे बेचना चाह रहे हो 1.5-2 साल बाद, आप बेचने जाओगे वो बिकेगा ही नहीं, आपसे कहेगा भैया आपका डोरमेंट अकाउंट है। अब क्या करें और ये क्यों हो रहा है, अब इसको समझिए। सबसे पहले सेबी अब करने जा रहा है कि ये जो डिपॉजिटरी एंड एक्सचेंज के अलग अलग टाइमिंग है, दोनों को एक करा जाए और 12 महीने किया जाए। 12 महीने यानी कि चाहे आप 12 महीने तक कोई शेयर बेचो या ना बेचो, आपका एक्टिव रहेगा। आप 12 महीने के अंदर अंदर एक ट्रांजेक्शन मार दो बेचने की, तो आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वो समझिए। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको अपना डीमैट अकाउंट एक्टिव बनाने के लिए बेचना जरूरी है, समझे बात को। मान के चलो मैं हर महीने एक शेयर खरीदता हूं लेकिन बेचता नहीं, तो मेरा अकाउंट एक्टिव माना ही नहीं जाएगा, मेरे को बेचना पड़ेगा। ये मेरे को थोड़ा सा एक मतलब दिक्कत लगी, भाई मैं नहीं बेचना चाहता मैं, तो आपको एक शेयर बीच बीच में बेच देना है केवल अपना डीमेट अकाउंट एक्टिव करने के लिए, अगली बार फिर खरीद लेना, कुछ नहीं होता। एक शेयर बेचने से कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगती है खास, 15-20 रुपए ज्यादा से रहेंगे, लेकिन इससे आपका डीमेट अकाउंट एक्टिव बना रहेगा। अब अगर किसी का एक्टिव नहीं रहा है, ऑलरेडी डोरमेंट अकाउंट बन चुका है, इनएक्टिव अकाउंट बन चुका है, तो क्या करें, तो आपको अपने ब्रोकर के पास हैंड रिटन एक फॉर्म भरना है, अपने सिग्नेचर करने है कि भाई पर्सनली मैं ही हूं वो बंदा जो अपने डीमेट अकाउंट को दोबारा से चालू कर रहा हूं, दोबारा से इन द मीन मैं शेयर्स बेच रहा हूं। ये सारी चीजें आपको लग तो रहा होगा एक झमेला, टेंशन, ये क्या यार ये क्यों है, लेकिन ये हम लोगों के लिए ही किया जा रहा है सेबी के द्वारा। क्यों हम लोगों के लिए, बहुत सारे लोग निवेश करते हैं और जो हैकर्स है ना उन्हें पता चल जाता है ये तो अपने डीमेट अकाउंट को देख ही रहा, तो वो उनका डीमेट अकाउंट हैक करके शेयर्स बेच देते हैं। मैंने एक इसी तरीके की स्टोरी कवर करी थी जहां पे बहुत बड़े शेयर्स की बिकवाली हो गई थी और बंदे को पता ही नहीं है, तो अब आपका डीमेट अकाउंट ही फ्रीज कर दिया, शेयर्स नहीं बेचे, तो अब आप कोई बेच ही नहीं सकता। बेच केवल तभी सकते हो जब आप बेचना चाह रहे हो, यानी कि डीमेट अकाउंट तो फ्रीज है, मैंने हैक कर लिया, मैं बेचना चाहूं नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि आप नहीं चाहते, आप भी खुद बेचना चाहोगे तो भी नहीं बिकेगा। आपको पहले प्रूफ करना है कि आप ही लिटरली बेचना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, आपने साइन करने हैं, खुद फिजिकली दिखाना है कि हाँ मैं हूं,
तब आपका डीमेट अकाउंट एक्टिव होगा और तब आप देख पाओगे। इसको आप एक टेंशन की तरीके से भी ले सकते हो, इसे आप अपनी सेफ्टी के रूप में भी ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे ले सकते हो। अब लेकिन लेना तो पड़ेगा क्योंकि नियम तो नियम है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही और आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते हो, तो एक 8-10 महीने में शेयर बेच दिया, सिंपल, ठीक है जी। अभी 6 महीने का रूल है, उसको 12 महीने किया जा रहा है और एक्सचेंज तो ऑलरेडी 12 महीने का था ही। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर है उससे डिविडेंड आ रहा है वो इनएक्टिव ही माना जाएगा। आपकी कंपनी ने बोनस दे दिया और शेयर क्रेडिट हो गए, वो इनएक्टिव ही माना जाएगा। स्प्लिट हो गया वो भी इनएक्टिव। एक्टिव सिर्फ तभी माना जाएगा जब आप या तो ऐसी कोई एक्टिविटी करें जो आपके द्वारा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने राइट इशू करा, तो राइट इशू में अपने आप तो राइट इशू में पार्टिसिपेट हो नहीं सकता, आप खुद जाके पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एक्टिव माना जाना चाहिए। सेम मेरे को लगता है आईपीओ में भी अगर आप अप्लाई करते हो तो एक्टिव माना जाना चाहिए। बट इसको देखते हैं सेबी क्या करता है क्या नहीं करता। बट ये जो कुछ बड़ी चीजें बदलने वाली है और जो चल रही है वो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इन सारी सिचुएशन से जूझ रहा है तो प्लीज उसको आप शेयर जरूर कीजिएगा कि भैया ऐसे ऐसे कर लो जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।